आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस मंत्र का जाप किस माला से करना चाहिए। तो साथियों नमस्कार, मैं लता पांडे स्वागत करती हूँ आपका सभी का जीवन सार चैनल में। और हमारी जीवन सार की फैमिली धीरे धीरे बड़ी हो रही है और मैं एक दिन बनियान ट्री का रूप जरूर ले लेना है। तो साथियों, अभी तक जैसे आपका प्यार मिला है वैसे ही आगे के लिए मिलेगा, ये मैं आशा करती हूँ। और मेरी जीवन सार की फैमिली स्वस्थ होगी, मस्त होगी और व्यस्त होगी, ये भी आशा करती हूँ, परमेश्वर को प्रार्थना करती हूँ। तो आज हम माला के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ में वीडियो के अंत तक। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी भेजें। और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो अभी आगे चलते हैं। हमारे हिंदू धर्म में मंत्रों का बहुत महत्व है। हर एक देवता के लिए अलग अलग उनके अपने मंत्र बने हुए हैं और बहुत ताकतवर मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से अगर ये मंत्र का जाप करता है तो उनके हर काम सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। हर एक मंत्र को एक गिनती तक करना चाहिए और वो गिनती हम भूल ना जाए, इसलिए माला बनी हुई है। और बड़ी माला जो होती है उसमें 108 मणके होते हैं। जो दाने होते हैं उसको मणके बोलते हैं और जो छोटी माला होती है उसमें 54 मणके होते हैं। ऐसे में हम जानते हैं कि मनोवांछित फल पाने के लिए, हमारे सर्व सारे काम सिद्ध होने के लिए हमें किस माला से जाप करना चाहिए, किस मंत्र का। कमलगट्टे की माला। कमलगट्टा बोलो तो माँ लक्ष्मी का अति प्रिय है, तो माँ लक्ष्मी के मंत्र और दुर्गा मैया के मंत्र कमलगट्टे की माला के ऊपर आप कर सकते हैं। इसमें 108 मणके होते हैं। रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष बोलो तो शिव जी, और शिव जी के महामृत्युंजय के मंत्र या लघु मृत्युंजय के मंत्र आप रुद्राक्ष की माला के ऊपर कर सकते हैं। शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और आपके सारे काम पूरे करेंगे। और रुद्राक्ष की माला में भी 108 मणके होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो इस हिसाब से 108 मणके बोलो तो 108 चरण हो गए, इसलिए हम 108 मणके का इस्तेमाल करते हैं। और माला का एक एक दाना एक एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हम 108 मणकों का इस्तेमाल करते हैं। स्फटिक की माला। स्फटिक की माला से आप माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ सरस्वती और श्री गणेश के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ये अति प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद जरूर देंगे, आपको धन लाभ मिलेगा। स्फटिक जो है ये क्रिस्टल की माला होती है, उसमें भी 108 मणके होते हैं। हल्दी की माला। हल्दी बोलो तो हमारे हिंदू धर्म में हर पूजा में, हर शुभ काम में हल्दी का उपयोग होता है। जितने भी हम धार्मिक कार्य करते हैं हर जगह हल्दी का उपयोग होता है, उसको शुभ माना जाता है। हल्दी के माला का उपयोग शत्रुओं को नाश करने के लिए, शत्रुओं को दूर रखने के लिए बगलामुखी मंत्र का इसके ऊपर जाप किया जाता है। इसके अलावा श्री गणेश को भी ये प्रिय है और श्री गणेश के मंत्रों का जाप भी इसके ऊपर आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप भगवान शिव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष पे तो आप मृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, लेकिन जैसे ओम नमः शिवाय हो गया या ओम हो गया, इस तरीके से ये तुलसी की माला श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय है। श्री हरि विष्णु के साथ साथ श्री कृष्णा और उनके जो अवतार है श्री राम, इनके मंत्रों का जाप भी आप तुलसी के माला के ऊपर कर सकते हैं। इसमें भी 108 मणके होते हैं। इसमें हालांकि छोटी अगर माला लेते हैं तो 27 मणके भी होते हैं और 54 मणके भी होते हैं, तो बड़ी ही माला रख ले 108 से, क्योंकि 108 तो हमें करने ही है किसी तरीके से पूरे। चंदन की माला। चंदन दो प्रकार के होते हैं, हम सब जानते हैं, सफेद चंदन और लाल चंदन। लाल चंदन की जो माला होती है उसके ऊपर आप गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और सफेद चंदन की जो माला है उसके ऊपर आप शिव जी के मंत्रों का, श्री हरि विष्णु के मंत्र का, आप श्री राम के मंत्र का, आप श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं।
और अपने आप के लिए सुख समृद्धि, धन सुख शांति समृद्धि सब कुछ पा सकते हैं और अपने जीवन से निगेटिविटी दूर कर सकते हैं, सकारात्मकता पा सकते हैं, खुशहाली पा सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और आखिरी में मैं ये बोलूंगी कि हम जप तो करते हैं, हम पूजा अर्चना भी करते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी ये बातें सिखाना चाहिए। पूजा अर्चना करने के लिए या मंत्र जाप करने के लिए किसी उम्र का तकाजा नहीं होता है। उनको अगर छोटेपन से ही अगर ये संस्कार मिले तो आगे उनके अपने जीवन की जो परेशानियां होती है आगे उनको बहुत सफलता मिलेगी और उनके जीवन की भी निगेटिविटी दूर होगी। और हम माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों के सुख में ही तो हमारा सुख होता है ना, तो इसीलिए ये आदत भी उनको, ये संस्कार भी उनको छोटेपन से ही देना चाहिए ताकि उनका परमेश्वर के ऊपर भरोसा हो और उनके जीवन की परेशानियां जो है वो दूर हो। साथियों, आज का ये था वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मैं लता पांडे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।